नीनी रात रात को ये लगाती है, यहाँ पर मिक्स्ड है सरसों का ऑयल, कैंडल का क्या कैंडल कैंडल कपूर कपूर। और सरसों का ऑयल डाल के इसे मिक्स किया गया है। इसको ना जो यहाँ फूट जाता है ना, पैर वगैरह क्रैक होता है ना, वहाँ पर लगाना पड़ता है, वो ठीक क्रैक हो जाता सॉफ्ट हो है, जाता है। सॉफ्ट हो जाता है, सबसे अच्छा हो जाता है। ये मम्मी ने बनाया है, तो नीनी का क्रैक हुआ है अभी, तो वो लगाने वाली है। और काम करता है ना ये, पक्का काम करता है ना, काम करता है ना नीनी। पक्का काम करता है ये। अच्छा अच्छा वाला काम सॉफ्ट हो करता गया है, बिकॉज वो, नीनी लोग ने कितना वो क्रैक जैक या कुछ होता है ना, वो लगाने वाला भी लगाया था, उसे कुछ नहीं होता था, मम्मी सब का भी कुछ सॉफ्ट नहीं हो होता गया। था, नीनी का भी नहीं होता था, पर इसे जब से लगाया है ना नीनी ने, आई थिंक मम्मी ने, किसी ने को तो देखा होगा लगाते हुए, तो तब से रामदेव का, रामदेव ने सिखाया था, तो इससे सच्ची में होता है। तो हर दिन विंटर में तो और भी फटता है ना पैर हाथ, तो ये लगाती है। सच्ची में मम्मी सॉफ्ट का हो तो गया। एकदम, नीनी का तो इतना नहीं फूटता था, क्रैक नहीं होता था, पर मम्मी का बहुत क्रैक रहता था, मतलब अंदर तक दिखता था, पर ये लगाने के बाद अच्छा हो गया, क्रैक जैक वगैरह वो कुछ होता है ना, क्रीम होता है ना बोरो प्लस जैसा, वो लगाती थी, कुछ नहीं होता था, पर इससे ठीक हो गया। ये यहाँ पर है सरसों का ऑयल, सरसों का कैंडल कैंडल और कपूर, कपूर इसको मिक्स करके बनाया हुआ लगाना है। पड़ेगा। रात रात को लगाना पड़ेगा, सॉक्स लगा सकते हो, फिर एकदम ठीक हो जाएगा। कितना दिन में ठीक होगा? 1 month, 1 month तो लगेगा, रात रात को लगाना पड़ेगा। one कैसा है? month, वरना सॉफ्ट मम्मी का अंदर तक कटता था पहले, कितना लगाती थी वो क्रैक जैक, क्या क्या बोलते हैं उसको, क्रैक क्रैक क्रीम। क्रीम, फिर भी उससे भी नहीं होता था, पर अभी तो ठीक हो गया है, वो भी मम्मी लगा भी नहीं रहे अभी तो। का नज़ारा ऐसा है, दिखाई देती हूँ, डैड यहाँ पर है दुकान में, वहाँ पर सामान लोड कर रहे हैं। वाह, ब्यूटीफुल वेदर, सच अ गुड वेदर। मैं जा रही हूँ रन के लिए, पर वेदर वेदर नहीं, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, मुझे लग रहा था जाऊँ नहीं जाऊँ, पर वेदर इतना अच्छा है तो मैं सोचा चली जाती हूँ। एंड यू गाइस हैव अ ब्यूटीफुल डे लाइक दिस, सी यू गाइस, लुक एट द व्यू, ओह माय गॉड, इजंट इट लुकिंग सो प्रिटी, इट्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग। रात बहुत जल्दी हो जाता है, पर सुबह देखिए, ओह माय गॉड, 6 बजे लग रहा है कि 11-12 बज चुका है। लुक एट द व्यू, ओह माय गॉड, मेरा स्कूल यहाँ से जाना पड़ता था पहले, यहाँ से उधर था, देखिए ऐसा है। गाइस मैं चल के जा रही हूँ, अभी कुछ ही समय में हमारा प्यारा मिल्क लेक दिखने वाला है, सो दिल थाम के बैठेगा, गाइस आने ही वाला है, ऐसा है वेदर सुबह सुबह। वाह, चल के जा रही हूँ अभी तो, देखिए मिल्क लेक दिखने वाला है, वो भी नहीं दिखेगा, लोग सारा मॉर्निंग वॉक वगैरह करके चल रहे हैं, यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, सब दुकान भी बंद है अभी तो, उस साइड मेरी लेक है पर दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, घर का सामान निकाल रहे हैं शायद। वाह देखिए, साया पत्री लग रहा है, एकदम दशहरा दिवाली आसपास ही है ना। तो व्यू गाइज, एंड इट्स सो हैपनिंग बिकॉज इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग, सॉरी पता नहीं मैंने पहले कब क्या बोला। ओ माई गुडनेस, दिस द काइंड ऑफ लाइफ आई एग्जैक्टली वॉन्टेड, वेक अप बाय 6:30, 7 o'clock, बी फ्रेश, गो फॉर अ वॉक, सी दिस ब्यूटिफुल व्यू, ओ माई गॉड, अभी तो लग रहा है कि लेक भी उठा नहीं है, देखिए सो प्रीटी, एंड द वेदर, ओ माई गॉड, मार डरा रे मार डरा। मैं जा रही हूँ वॉक के लिए, अभी थोड़ी देर में रन करूँगी, वहाँ पर मेला भी लगा है फेयर, तो चलते हैं अभी। बैटरी भी ज़्यादा नहीं है गाइज, गाइज बैटरी भी ज़्यादा नहीं है बिकॉज चार्ज नहीं किया था, तो मे बी आई विल सी यू गाइज लेटर, बिकॉज अभी स्ट्रेच करूँगी, थोड़ा वॉक करूँगी, उसके बाद दौड़ने लगूँगी, तो सी यू गाइज, एंड मे यू गाइज हैव अ लवली 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 ब्यूटीफुल डे अहेड, सी यू। यहाँ पर मेला लगा हुआ है, आप लोग को बता नहीं, आस पास से हो तो आप आ सकते हो, ये आई थिंक 30 तक है या 20, नहीं 23rd या 24th तक, कब तक तो है, मैंने
पता था मैं भूल गई, अभी तो बंद है सब सारा। देखिए ऐसा साफ सफाई कर रहे हो लोग भी। Look at this, what a beautiful place and such a vibe to be here, you know. Sab sunsan sa, koi aas paas nahi zyada, halla hulla nahi, jungle jungle charo taraf, but look at the people doing all this. बहुत गंदा कर दिया है गाइस। वॉइस ओवर। सो मैं दौड़ते दौड़ते आले ग्राउंड पहुंच गई, इसको आले ग्राउंड बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ तो ट्रेनिंग चल रहा था, शायद आर्मी का भर्ती के लिए ट्रेनिंग चल रहा था, जोर से हो रहा था। एंड मैं दौड़ते दौड़ते एक राउंड लगा के डैम की तरफ होते होते फिर लेक पहुंच गई। ऑलमोस्ट आई रन फॉर 5 किलोमीटर्स बट ट्रैक नहीं हुआ बिकॉज आई थिंक एप्पल वॉच मैंने लेट से स्टार्ट किया और जो वॉक किया था हुआ ही नहीं। सो ऑलमोस्ट आई रन फॉर 5 किलोमीटर्स एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर जिम भी चली गई, वहाँ पर एब्स वर्कआउट किया और घर पहुँच गई मैं। मेरे बाजार का रमझम सुबह का कितना टाइम हुआ, अभी सुबह का 8:20 में ऐसा है। अच्छा सा दिन, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, दुकान खोलने लोग खोल रहे हैं, अपना अपना काम में व्यस्त है सब जन। और मैं आ रही हूँ वर्कआउट करके, इट्स एग्जैक्टली 8:20। वो व्हाट अ डे टू स्टार्ट माय डे। ऑफिस आ गई हो, कुछ काम है यहाँ पर, तो देखती हूँ कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगने वाला है। ओ वाह, ये वाला तो मुझे भी खरीदना था, बहन ने मंगाया है। ये वाला मैं भी ट्राई करूंगी एक बार, एक बार मैं भी ट्राई करूंगी, बाद में दिखाऊंगी। तो दामी कलर है, दामी है। मुझे भी मंगाना था, व्हाट्सएप में पठा देना। और बैनिक आज चलो व्हाट्सएप में पठा देना, दामी है। और बैनिक से अच्छा है मटेरियल। इस आ गई मैं पोस्ट ऑफिस से एंड यहाँ पर ठंड शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा तो ठंड हो गया है। एंड अब तो मुझे शूट करना है, पर पता नहीं मुझे लग रहा है कि मुझे नींद आ रहा है बिकॉज़ रात को मैं 11 बजे सोई थी एंड आई वोक अप बाय 6:30। सो लेट्स सी, शूट तो करना ही पड़ेगा बिकॉज़ मेरा डेडलाइन होता है हम लोग का कि इतने टाइम तक मुझे वीडियोस प्रोवाइड करना है। तो बहुत सारा वीडियोज़ है जो मुझे फिल्म करना है। तो अभी खाना खाने के बाद शायद मैं रेडी होना स्टार्ट करूँगी। आई जस्ट होप लाइट ना चला जाए बिकॉज़ लाइट चला जाएगा भाई, आई कैन नॉट डिपेंड ऑन नेचुरल लाइटनिंग बिकॉज कभी अंधेरा होता है, कभी बारिश होता है, कभी क्या होता है। सो रिंग लाइट तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी क्या होता है। वाह, लग रहा है कि मैं कहाँ माउंटेन्स वगैरह चढ़ने वाली हूँ ना, पर इट्स रियली कोल्ड आउट हियर। एनीवेज आई सी यू गाइस लेटर एंड मे यू गाइस हैव अ लवली 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 डे अहेड इन केस इफ आई हैव नॉट टोल्ड यू गाइस ऑलरेडी। सी यू गाइस। इट्स लंच टाइम, नीनी बना रही है प्याजे, यहाँ पर मम्मी खाना सर्व कर रहे हैं, यहाँ पर डैड बना रहे हैं सुकुटी, ये पका भी नहीं होगा, यहाँ पर मम्मी का डैड क्या है, मम्मी का है डैड का प्लेट दूसरा रहता था ना, अभी मम्मी के डैड का है समझ में नहीं आ रहा। ओ नहीं, ये मम्मी का डैड का यहाँ पर है, ये हमारा प्लेट रहता था, डैड को दूसरा वाला पसंद नहीं आया, ये इसका ऊपर है ना उसका छोटा रहता था तो ये यूज़ कर रहे हैं। पर मुझे क्यों लग रहा है कि इसको मतलब ना सूट नहीं कर रहा है डैड को, आई एम सो यूज टू सीइंग हिम छोटा वाला बड़ा वाला प्लेट में ना, तो ये वाला सूट नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। सामान बिक्री कर रही है यहाँ पर एकदम, दिन ऐसा है, थैंक गॉड बारिश नहीं हुआ। गाइज आपको अगर चादर वगैरह बुल्डुंग वगैरह ऐसे पाइप वगैरह स्प्रिंग वगैरह ख़रीदना है तो प्लीज़ यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी था, वहाँ पर होगा, हमारे यहाँ मिलता है। हाय गाइज, ओ माय गॉड, इट्स ऑलरेडी अबाउट टू बी 10 o'clock एंड आई एम जस्ट डन विद द शूट। ये सारी शूट करना था, मैंने सोचा था कि मेकअप वीडियो करूँगी पर वो भी भूल गई, मोमना भी सो रहे हैं तो इसलिए बहुत धीरे से बात कर रही हूँ। मेरा मेकअप लुक ऑफ द डे दिखाती हूँ, कैसे दिख रही हूँ मैं तो अच्छी दिख रही हूँ मुझे पता है। मुझे मूड होना है और फिर आई विल सी यू गाइस
पर देखो सुबह सुबह ये लोग दूध गिरा दिया। हम लोग तीन जन यहाँ पर स्टैंड किए थे, मम्मी आ कर रहे नहीं आ कर रहे, मार कोई नहीं रहा है, मैंने मार की मार लिया, इधर उधर सब बिगाड़ दिया। बाप रे, मार तो नहीं रह गया, बस चिल्ला रही करके। क्या है लड़की लोग, पर देखिए बाप रे, ये सब मिलता है ना यहाँ पर बैठने के लिए, ये सब खाने को मिलता है, ऑर्गेनिक है, साग बस्ती से है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, सो नाइस। आज ये बनाएंगे, मम्मी सुबह सुबह जाके लाई है, और मैंने मम्मी को ब्रेड बोला था बेचारा, मैंने ब्रेड भी ला दिया, और यहाँ पर मेरा फेवरेट बिस्किट भी ला दिया। तो बोल रही थी क्या, ओ ये वाला बिस्किट है माइलस्टोन से लाया है, ये वाला मुझे बिस्किट पसंद है, पर एक बार बिस्किट का गैस जाता होता है मैं थोड़ा सा भी नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं आता है सॉगी वाला। गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग, इट्स अनदर डे, एंड आज का ब्लॉग भी मैं कल के साथ ही क्लबिंग कर रही हूँ, बिकॉज कल का ब्लॉग तो बहुत ही शॉर्ट बन गया, बिकॉज थ्रू आउट द डे आई वॉज मेकिंग वीडियो, आई थिंक फ्रॉम 2:30 मैंने इंथन कंथन गंथन करना स्टार्ट कर लिया, बाई 3:30 आई स्टार्ट मेकिंग वीडियो, आई एंडेड अप मेकिंग वीडियो बाई सो लेट, आई थिंक इट वॉज ऑलमोस्ट 10:30 कितना कुछ हो गया था, तब तक मैंने वीडियो बनाती रही, ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया, पर इतना मेहनत लगाया मैंने वो वीडियो में, ऑलमोस्ट 3:30 10, ओ माई गॉड इतना टाइम लगा मुझे, पर वीडियो टर्न आउट टू बी रियली नाइस, वरना नॉर्मली तो मैं वीडियो बहुत इग्नोर, जिसमें मेरा बाल में आ रहा था पानी, तो मैंने स्कार्फ को ऊपर कर दिया। आई नॉर्मली मैं एक वीडियो एक घंटे में 3-4 वीडियो बना लेती हूँ, लाइक फैशन का वीडियो, बट यस्टरडे आई डिड पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, लाइक म्यूजिक के साथ सिंग करने में ना बहुत टाइम लगा, नहीं है तो बाप रे बाप, आई थिंक आई मेड 3 वीडियोज एंड इतना टाइम उतने में लगा, बट नेवर माइंड, द वीडियो टर्न आउट टू बी रियली नाइस, एंड ये वीडियो डालने के बाद वो वीडियो भी डालूंगी जो मैंने कल बनाया है, वो लिया जो 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 ये वाला सॉन्ग है, ना 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 गाना ही भूल गई न, खाली वो म्यूजिक हेड में पर मुंह में नहीं आ रहा है। एनीवेज मैंने मुंह भी नहीं पूछा है, मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, लग रहा है क्या चिपचिप हो रहा है। तो आज का वीडियो भी कल के साथ सिंक करूँगी, आज भी आई एम थिंकिंग नॉट इंस्टाग्राम बट यूट्यूब के लिए थोड़ा वीडियो बना लूँ, क्योंकि कल वीडियो यूट्यूब के लिए भी प्लान किया तो था बनाने के लिए, पर टाइम ही नहीं मिला तो यूट्यूब का तो हुआ ही नहीं। सो आज तो मुझे खाना नहीं बनाना है, पर मम्मी को लास्ट टाइम मैंने जो बफ बनाया था, बीट एंड साग बनाया था, वो बहुत अच्छा लगा जब मैंने ग्रैंडमा के वहाँ बनाया था, तो वो भी एटलीस्ट ये बना दो, तो काट कुट सब कर देंगे, बस मुझे फ्राई करना है, और तो दाल वाल तो है सब है, तो आई सी यू गाइस लेटर, और मैं बफ का मीट कैसे बनाऊँगी आप सबको दिखाऊँगी। गाइस देखिए वहाँ पर बोट जा रहा है बैं करके, इतना सुहाना सा है दिन, पर धीरे धीरे ना मेरे में ठंड चढ़ रहा है, मतलब आई हैव रियलाइज पास्ट 2 डेज थोड़ा करके ठंड हो रहा है ज़्यादा ही, इसलिए मैं तो मफलर भी लगा रही हूँ बिकॉज गले प्रॉब्लम हो जाता है। गाइस इजंट दिस ब्यूटीफुल, इजंट दिस पीस, इजंट दिस समथिंग सो प्रिटी टू लुक एट दिन भर, माय गॉड वेदर एंड इट्स सो पीसफुल, और हल्ला हल्ला नहीं, बस ज़्यादा लोग नहीं। गाइस इसको बोलते हैं लिंगे पिंग, ये देख रहे थे इट्स अ स्विंग, तो जब दशहरा आता है ना ये लोग लगाते, पहले तो बहुत लगाते थे पर अभी तो सिस्टम हट गया है धीरे धीरे करके, पर यहाँ पर लगा हुआ है अभी भी, देखिए वाह। दशहरा में हर जगह में बस्ती वगैरह में तो और भी लगता है, आई एम सो ग्लैड कि यहाँ पर भी लगा दिया है, पता नहीं क्यों लगाते हैं मुझे भी ऐसे तो, पर लगाते हैं दशहरा में नॉर्मली, लिंगे पिंग बोलते हैं इसे, इसे इंग्लिश में तो स्विंग बोलते हैं। वॉकिंग करते करते देखिए गर्मी से भाई पसीना छूट गया भाई, इसमें बनाने वाली थी बफ, आंटी ने मम्मी ने बना लिया, मम्मी ने बना लिया, कैमरा क्यों पर देखिए साग और। गाइस आई एम बैक होम, मिर्का एक राउंड लगाया लेका एंड नहीं एक नहीं सॉरी 2 राउंड लगाया एंड आई वाज प्रीटी नाइस, आई फेल्ट सो हॉट, आई वाज लाइक स्वेटिंग लाइक क्रेजी, आई केम बैक होम, फिर लेट गई वीडियो एडिट कर रही थी क्योंकि आज का वीडियो लाइव करना है ये वाला वीडियो, तो मैंने सोचा थोड़ा एडिट कर लूँ तो एंडिंग नहीं किया है, तो आई एम योर एंडिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर 8K सब्सक्राइबर्स वंस अगेन, आई एम सो हैप्पी दैट वी मेड इट, मम्मी का कॉल आ रहा है फिर भी ये वीडियो एंड कर लेती फिर उठाती हूँ,
एंड आज का दिन तो पता नहीं क्या करूँगी, मुझे वीडियो में कुछ डेली व्लॉग के अलावा कुछ कंटेंट तो लाना है। आई थिंक मम्मी सब्जी चलाने के लिए बोलेंगी, कंटेंट तो लाना है, पता नहीं क्या बनाऊँगी पर आई थिंक अबाउट इट। और कल कुछ डेली व्लॉग नहीं कुछ और लाऊँगी, देखते हैं क्या होता है। फॉर नाउ दिस इज इट, आई सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लव योरसेल्फ एंड आई विल सी माय नेक्स्ट वन एंड द वेदर इज सो नाइस गाइस, परफेक्ट फॉर मी टू मेक वीडियोस। वो ये फोन क्यों नहीं उठाया, चला है मुझे, मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुझे लगा था चलाने के लिए होगा सब्जी, वो बोले चलाने के लिए बोल रही थी, चलाया मैंने। बिकॉज़ स्मार्ट गर्ल, बाय।